ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा टूल आ गया है जिससे आप कुछ भी पूछोगे वो उसका सटीक जवाब देगा, चैट जीपीटी। भाई ये क्या है, कैसे इसे यूज किया जाता है, कैसे पूछना होता है, क्या क्या ये बताता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। जिसका फनी और सही कमेंट होगा उसको मैं पिन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बबलू राघव, आप देख रहे हैं टैग राघव यूट्यूब चैनल। चैट जीपीटी एक ऐसी चीज है कि भाई जिससे आप जो भी क्वेश्चन कीजिए, हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, मराठी में कीजिए, किसी भी भाषा में कीजिए, वो उसका एकदम सटीक जवाब देता है। मैथ से लेकर साइंस तक आपको जो पूछना है बिल्कुल भाई वो बिना देरी किए हुए आपको जवाब देता है। तो इसे कैसे यूज किया जाता है वो हम जानते हैं। तो हम आगे अपने डेस्कटॉप पर और आप अपने मोबाइल में भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करेंगे चैट जीपीटी, सिर्फ इतना ही सर्च करना है चैट जीपीटी, और पहले ही नंबर पे आपको जो वेबसाइट मिलती है इस पे आपको क्लिक करना होता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ट्राई चैट जीपीटी। ये ऑप्शन आपको नीचे भी मिल सकता है या ऊपर भी मिल सकता है, तो ट्राई चैट जीपीटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये ऑप्शन आएगा लॉग इन और साइन अप। अगर आपने पहले आईडी नहीं बनाई है तो पहले आपको इसमें आईडी बनानी होगी, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। तो साइन अप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। अगर आप पहले से लॉगिन है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जो भी नाम डालना चाहें अपना वो आप यहाँ पे नाम डाल के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। बस आपको इतना ही करना है, ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है और नाम डालना है और आप चैट जीपीटी में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है, कभी कभी एक गलत जवाब भी दे सकता है, उसको हम बाहर में जाने देते हैं, हमारा उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब हम देखिए यहाँ पे हिंदी में पूछेंगे, सबसे मेन चीज है कि हम यहाँ पर हिंदी में पूछेंगे। अब देखिए हिंदी में आप किस कुछ भी पूछ लीजिए। आप यहाँ पे देखिए मैं इससे कहता हूं कि यहाँ पर मैं इससे पूछता हूं कि माउस को हिंदी में क्या कहते हैं, और इसका जवाब जो है वो तुरंत ही आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है या कुछ ऐसा है। तो देखिए माउस को हिंदी में चूहा कहा जाता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूछा था, तो इस यहाँ पे इसके जवाब आया कि माउस को हिंदी में चूहा कहा जाता है। अब इसमें आप कुछ भी पूछ लीजिए कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है, किसने बनाया था, जो भी आपका मैथ का सवाल हो, कुछ भी हो, तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे पूछा केदारनाथ मंदिर किसने बनाया था, तो अब इनका क्या जवाब आता है वो आप यहाँ पर देखिए। केदारनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है, या मंदिर हिमालय की गहराइयों में स्थित है। जो भी पूरा रहेगा पूरा ये बताते हैं, और लोग यहाँ पर आप जो है निबंध भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, अपडेट न्यूज पूछ सकते हैं, किसी भी अपराध के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर चाहें वो पूछ सकते हैं। इनसे मैंने पूछा है कि आपके पास लड़की का नंबर मिल सकता है, जो भी आप पूछेंगे, आप जिसके बारे में पूछेंगे वो ये सब कुछ बताता है, और लोग इसी से पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से पोस्ट यूट्यूब के बारे में आप सीख सकते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाएं, किस टॉपिक पर बनाएं, चैनल कैसे बनता है, वेरीफाई कैसे करना है, जो भी आप पूछेंगे उसका ये जवाब देगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने पूछा इनसे आपके पास लड़की का नंबर मिल सकता है, तो ये क्या बोल रहे हैं, मैं एक वाणिज्य AI हूँ जिसे इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के लिए तैयार किया गया हूं। मेरे पास किसी व्यक्ति के नंबर का डेटाबेस नहीं होता और मैं किसी भी प्रकार से इस तरह की जानकारी को नहीं संचालित करती हूं। कृपया किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी को समझौता नहीं समझें और इस तरह के सवाल पूछने से बचें। मैंने यहाँ पे टाइप किया यूट्यूब पर सबसे अधिक पैसा किस टॉपिक पर मिलता है, तो यहाँ पे देखिए इनका जवाब आ रहा है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पैसा उन वीडियो से मिलता है जो व्यावसायिक टॉपिक से संबंधित होते हैं। बहुत सही जवाब दिया है इन्होंने, इस चीज का बहुत सही जवाब दिया है। इसमें उदाहरण के रूप में उत्पादों या सेवाओं के बारे में बात करना, व्यावसायिक नौकरियां, व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि पता है इसलिए ज्यादा पैसा मिलता है इस टॉपिक पर क्योंकि एड बहुत ज्यादा रहते हैं, शिक्षा और उद्यमियों से संबंधित वीडियो शामिल होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत टॉपिक जैसे कि सौंदर्य और फैशन, स्वास्थ्य और फिटनेस, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहे हैं। मैंने उसे पूछा कि YouTube पर सबसे अधिक पैसा किस टॉपिक पर मिलता है, तो देख रहे हो ये टॉपिक बता रहे हैं कि इन टॉपिक पर आपको अच्छा पैसा मिलता है और इन्हीं चीजों से ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। आप ये पोस्ट पूरा कॉपी करके किसी भी वेबसाइट पे डालकर वहां से पैसा कमा सकते हैं। ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा चैट जीपीटी से पैसा कैसे कमाया जाता है। यहाँ पे देखिए पूरा इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे पैसा मिलता है, पूरी हर चीज अभी तो टाइप
चल ही रहा है। इसके बारे में और यहाँ पर साइड में बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए न्यू चैट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप और चैट करना चाहें तो आप यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करेंगे और ये डाटा आपका सेव रहता है कि आपने क्या चैट की। ऐसा नहीं आप ये बंद कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये आपका रहेगा जब तक आप यहाँ से डिलीट नहीं कर देंगे या आप यहाँ से क्लियर नहीं कर देंगे। और यहाँ पे ये अपग्रेड का ऑप्शन है, ये डार्क मोड है, आप इसको डार्क मोड पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट अगर आता है तो वो भी आप जान सकते हैं और नीचे यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये सब है चैट जीपीटी में, आप इनसे टेबल हो, इंग्लिश हो, कुछ भी जो आपके मन में हो वो आप इनसे पूछ सकते हैं और उसके बारे में सटीक जानकारी देते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। मैंने यहाँ पे हिंदी में पूछा है, आप इंग्लिश में किसी भी भाषा में पूछ सकते हैं। तो चैट जीपीटी ये है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चैट जीपीटी किस तरीके से काम करता है, कैसे इसमें आईडी बनाते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।